नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। भारत फिर से बनेगा सोने की चिड़िया, क्योंकि सोनभद्र की पहाड़ी में मिला है इतना सोना कि कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। भारत के साथ सोने की चिड़िया का ताज लंबे वक्त तक जुड़ा रहा। देश की संपन्नता का सबूत अकूत धन संपदा के साथ भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन बदलते वक्त के साथ अलग अलग आक्रमणकारी खजाना लूटते रहे। कभी मुगलों ने खजाने पर नजर गड़ाई रखी तो कभी अंग्रेजों ने लूट को अंजाम दिया। भारत की संपन्नता का अंदाजा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में खनिजों की बड़ी मात्रा से लगाया जा सकता है। कई वर्षों से हो रही खनिज तत्वों की खोज के बीच जमीन के भीतर करीब 12 लाख करोड़ रुपए के सोने छिपे होने की बात सामने आई है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब खनिजों के इतने बड़े भंडार का पता चला हो। दक्षिण अफ्रीका में सोने की खदानें इसे सिटी ऑफ गोल्ड का दर्जा दिलाती थी। हाल में ही सोनभद्र की सोन पहाड़ी में बड़ी मात्रा में सोना पूरे विश्व की निगाहों में चमक उठा है। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI के सर्वे में इन पहाड़ियों में 3000 टन से ज्यादा सोना दबे होने की संभावना व्यक्त की गई है। सर्वे के दौरान सोनांचल की पहाड़ी में सोने के अलावा लोहा और भारी मात्रा में दूसरे खनिज भी दबे होने की संभावना है। सोने की मौजूदा कीमत के हिसाब से इतने सोने का मूल्य करीब 12 लाख करोड़ रुपए है। बस 2018 में आई थी खबर कि ऑस्ट्रेलिया में खदानों के खनन के दौरान सोने की दो चट्टानें मिली हैं। इनकी कीमत करीब 80 करोड़ रुपए आंकी गई थी। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की खदानों की फहरिस्त में सोनभद्र का नाम भी अब पीली चमक से खिल उठा है। अभिलेखों के मुताबिक सोनभद्र में सबसे पहले 80 के दशक में सोने की खोज की गई थी। इसके बाद दूसरी बार कोशिश साल 1990 से 1992 में की गई थी। इस दौरान सोने की जगहों को चिन्हित किया गया था। तीसरी व चौथी कोशिश साल 2005 से 2012 के बीच की गई थी। सोनभद्र DM के मुताबिक परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार के लिए राष्ट्रीय भू भौतिकीय अनुसंधान संस्थान यानी GSIR और NGRI, भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले तथा झारखंड के गढ़वा जिले के आंशिक भूभागों में हेलीकॉप्टर बाहित भू भौतिकीय सर्वेक्षण किया जा रहा है। भू भौतिकीय सर्वे के दौरान सोनांचल की पहाड़ी में सोने के साथ लोहा सहित भारी मात्रा में दूसरे खनिज भी दबे हैं। जिले के कई भूभागों में हेलीकॉप्टर से भू भौतिकीय सर्वे जारी है। इस सर्वेक्षण में विद्युत चुंबकीय एवं स्पेक्ट्रोमीटर उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है। इन उपकरणों का कुछ भाग हेलीकॉप्टर के नीचे लटका रहता है, जो कि जमीन की सतह से करीब 60-70 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए सर्वेक्षण करता है। GSI की माने तो सोनभद्र की सोन पहाड़ी पर करीब 3000 टन सोना और हरदी ब्लॉक में करीब 600 किलो सोने का भंडार है। GSI के मुताबिक इन जगहों के अलावा पुलमार और सलैया डी ब्लॉक में भी लौह अयस्क के भंडार का पता चला है। हालांकि इतने लौह अयस्क में कितना सोना मिलेगा, यह अयस्क की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। जानकारों के मुताबिक यदि अयस्क अच्छा है तो इससे निकलने वाले सोने की मात्रा अयस्क की आधी मात्रा के बराबर हो सकती है। GSI ने यहाँ की जमीन में 90 टन एडोलुसाइड, 9 टन पोटास, 10 टन सेलेमेनाइट के भंडार की भी खोज की है और जल्द ही इन धातुओं की खुदाई का रास्ता भी साफ हो जाएगा। भूतत्व और खनिज विभाग ने ई ऑक्शन यानी नीलामी की प्रक्रिया के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है और जल्द ही सोने के ब्लॉकों की नीलामी कर दी जाएगी। साल 2005 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने अध्ययन करके सोनभद्र में सोना होने के बारे में बताया था और इस बात की पुष्टि साल 2012 में हो गई थी, लेकिन इसे निकालने के लिए खनन की दिशा में अब तक कोई ठोस कार्य नहीं किया गया। लेकिन अब ब्लॉकों की नीलामी के लिए शासन ने 7 सदस्यीय टीम गठित की है। यह पूरे क्षेत्र को जियो टैगिंग करेगी और 22 फरवरी 2020 तक अपनी रिपोर्ट भूतत्व एवं खनिकन निदेशालय लखनऊ को सौंप देगी। भारी मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाने की संभावना के चलते जिले के कई भूभागों में हेलीकॉप्टर से सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण में विद्युत चुंबकीय उपकरणों, स्पेक्ट्रोमीटर उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है। इन उपकरणों का कुछ भाग हेलीकॉप्टर से नीचे लटका रहता है, जो कि जमीन की सतह से करीब 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए सर्वेक्षण करता है। दोस्तों, ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो भारत का रक्षा बजट है उससे 4 गुना ज्यादा है, यानी 4 साल का बजट हो सकता है और 4 साल तक जो रक्षा बजट है
वो इस सोने से हो सकता है। इतना सोना सोनभद्र की सोन पहाड़ी में पाया गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सोना हमें जल्द जरूर मिलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मुलाकात जल्द होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।